This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. गुड इवनिंग दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल लोकल टीवी पर। मैं कीर्ति हाजिर हूँ 8 अक्टूबर के शाम के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोमरम भीम बलिदान दिवस की तैयारियां पूरी, शमी की पत्ती और दशहरा, अज्ञात शव को किया सुपुर्द ए खाक, सिरपुर तालुके में ताबड़तोड़ ट्रांसफर। तो आइए दर्शकों जानते हैं समाचारों को विस्तार से। निजामशाही की रजाकारी सेना से लड़ते हुए कोमरम भीम ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। इस धरती के जल, जंगल और जमीन की स्वतंत्रता के लिए जान दिए हुए कोमरम भीम को 82 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 10 अक्टूबर के दिन कोमरम भीम जी का बलिदान दिवस मनाया जाता है। ये दिवस उसी जगह मनाया जाता है जहां उनकी जान चली गई थी, जहां उनकी समाधि बनाई गई है, अपने उनके गांव जोड़ेघाट में। जोड़ेघाट में उनकी स्मृति में एक म्यूजियम भी बनाया गया है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इस म्यूजियम में एक बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा। इस कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई है। दर्शकों, यदि आप भी चाहे तो इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। हमारे ही जिले में कागज नगर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों के बीच स्थित है कोमरम भीम जी का छोटा सा यह गांव और म्यूजियम, जोड़ेघाट ट्राइबल म्यूजियम। कैसे जाते हैं उसका व्लॉग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दशहरा तब तक संपन्न नहीं होता जब तक एक दूजे के हाथ में शमी के पत्ते न दिए जाए। ये परंपरा काफी पुरानी है और आज भी चली आ रही है। इस परंपरा को गोंडवाना क्षेत्र के आदिवासियों ने आज तक कायम रखा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे सुबह सवेरे शमी के पेड़ की पूजा करके हाथ में मशाल लिए पत्ते तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विजय कोटनाके अपने साथियों के साथ जा रहे हैं। पड़ोसी तालुके अहेरी में आज भी दशहरे के दिन लाखों आदिवासी अपने महाराज जी यानी आत्रम राजे के परिवार से मिलने हाथों में ये पत्ते लेकर आते हैं। जब तक ये पत्ते रजवाड़े में महाराज जी को नहीं भेंट करते, तब तक उनका दशहरे का त्योहार अधूरा रह जाता है। कागज नगर के सबसे प्रचलित स्वयंसेवियों में से एक कागज नगर यूनिटी के सदस्यों ने अपना काम अभी तक बंद नहीं किया है। कल बस स्टैंड के पास एक अज्ञात शव देखने को मिला। कुछ दिनों पहले ये व्यक्ति कागज नगर के बस स्टैंड में ऐसे ही घूम रहा था। व्यक्ति के शव को पूरे सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। जिले की प्रशासन व्यवस्था में बड़ी तब्दीली आ गई है। चिंतन मान्य पल्ली के नए तहसीलदार मशकूर अली बनाए गए हैं। वहीं पुराने तहसीलदार मुनावर शरीफ को कौटाला भेज दिया गया है। बेजुर में श्रीपाल जी को तहसीलदार बनाया गया है और पुराने तहसीलदार मोहम्मद जमील अहमद को सिरपुर टाउन भेज दिया गया है। सभी नए बहाल हुए तहसीलदारों को स्थानीय नेताओं, समाज सेवकों और कार्यालय के स्टाफ ने सम्मानित किया है। हमारी यानी लोकल टीवी की ओर से भी नए बहाल हुए तहसीलदारों को बहुत बहुत बधाइयां। दोस्तों, आज शाम के समाचारों में बस इतना ही। मिलते हैं कल सुबह कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए आपके अपने पसंदीदा चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।